मैं उसका मुंह नोच लूंगी अगर वो मेरे सामने भी आई तो। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इस वक्त तुम रिलैक्स रहो और शाजमा से झगड़ा मत करना। अगर उसे कुछ भी पता लग गया ना तो वो अलर्ट हो जाएगी और ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। उसे उसे बशीर का भी बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। हाँ, दवाई तो मिली है बट उस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ। सारा, ये बेनाम दवाई बशीर की सच्चाई का सबूत दे सकती है। मुसलसल वहाज और शाजमा के खिलाफ गवाही दे रहा है। असल सच क्या है ये तो सुबह दवाई की लेबोरेटरी रिपोर्ट और हैसन साहब के चेकअप की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। तुम ऐसा करो कि डॉक्टर को फोन करो और उनसे कहो कि सुबह एज सून एज पॉसिबल हैसन साहब का चेकअप करके उसकी रिपोर्ट बना कर दे। लेकिन सही, बेशक बशीर ने वो मेडिसिन बाबा को नहीं खिलाई थी बट शाजमा और वहाज ने उसको हायर तो उसी काम के लिए किया था ना। मुजरिम तो वो है ना, उनको भी तो अरेस्ट कराना चाहिए ना। हाँ सारा, तुम सही कह रही हो। सारिन भी इसी बात पर जोर दे रहा है। लेकिन एसएचओ साहब कह रहे हैं कि उनके लिए ये सबूत काफी नहीं है। हमें सुबह तक सच्चाई का इंतजार करना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सही? एक शख्स अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि शाजमा और वहाज ने उसको हायर किया था बाबा को स्लो पॉइजन देने के। ये तो अल्लाह की कोई करनी थी कि बशीर ने अपने मुंह से इकरार कर दिया, वरना मेरे पापा। देखो तुम फिक्र मत करो, हम पुलिस स्टेशन में ही हैं और हमने शाजमा और वहाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। तुमने तुमने शाजमा से कोई लड़ाई तो नहीं की है ना? मैं उसका मुंह नोच लूंगी अगर वो मेरे सामने भी आई तो। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस वक्त तुम रिलैक्स रहो और शाजमा से झगड़ा मत करना। अगर उसे कुछ भी पता लग गया ना तो वो अलर्ट हो जाएगी और ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। उसे उसे बशीर का भी बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। इंशाल्लाह वो कल सलाखों के पीछे होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, बस वो दवा संभाल कर रखना। जो भी सच्चाई होगी इंशाल्लाह कल क्लियर हो जाएगी। एहसन साहब ठीक है? क्या कर रहे हैं वो? सो रहे? हाँ सो रहे हैं। ठीक है फिर मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.